नमस्कार दोस्तों, घूमो जी लेकर आया है आप सभी के लिए भारत के ऐतिहासिक मंदिर और प्राचीन मंदिर की जानकारी। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो 1000 साल से प्राचीन हैं। आज मैं उन्हीं में से एक सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताने वाला हूं। ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसमें क्या क्या बसा हुआ है। भारत में ओडिशा के उत्तर पूर्वी में मौजूद कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में से शामिल है और ये सूर्य मंदिर ओडिशा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मंदिर सूर्य भगवान के एक विशाल रथ के रूप में बना हुआ है। इस मंदिर की बनावट में एक रथ को 7 घोड़ों के खींचते हुए दिखाया गया है। कहते हैं कि सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं और ये 7 घोड़े भी उन्हीं रंगों के प्रतीक हैं। इस मंदिर में आपको 3 अलग अलग जगहों पर सूर्य भगवान को समर्पित 3 देवताओं को भी दर्शाया गया है, जो सूर्य की सुबह, दोपहर और शाम किरणों की प्रतीक है। सूर्य मंदिर के परिसर में आप पुरातत्व संग्रहालय भी देख सकते हैं। यहाँ होने वाले नृत्य महोत्सव के समय एक मंच के रूप में बदला जाता है, जो कि ज्यादातर फरवरी में आयोजित किया जाता है। सूर्य मंदिर का प्राचीन होना और यहाँ इस महोत्सव का आयोजन देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर 15वीं शताब्दी से बहुत पहले की अंतिम कड़ी संरचनाओं में से एक है। इस मंदिर में ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि सूर्य की किरणें तट से होकर सीधे मंदिर तक आती हैं और मूर्ति के केंद्र में मौजूद हीरे की मदद से प्रतिबिंबित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की चोटी पर चुंबकों की वजह से मूर्ति हवा में ही तैरती है, लेकिन बाद में समुद्रीय यात्राओं की वजह से हुई गड़बड़ी की वजह से इन्हें यहां से हटा दिया गया था। सूर्य मंदिर पिछले 2000 सालों से ऐसे ही स्थिर से खड़ा हुआ है। सूर्य मंदिर का निर्माण 1255 ईस्वी में हुआ था, जब तुंगराल तुंगान खान पर पूर्वी गंगा राज वंश के राजा नरसिंह देव ने विजय हासिल की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर के बीच में एक चुंबकीय छड़ मौजूद है, जो समुद्री जहाजों के कंपास से जुड़कर हस्तक्षेप भी करती है। कोणार्क मंदिर के गिरने की एक और बात बताई जाती है कि जो कि काला पहाड़ से जुड़ी हुई है। सूर्य मंदिर की एक और आश्चर्यजनक बात है जो मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि सूर्य मंदिर के रथ के पहिए हैं जो धूप घड़ी के काम करते हैं, जो सही समय को आज भी बताते हैं। कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को कोई भी तोड़ नहीं पाया, तो उसने किसी तरह से मेहराब के शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना था। धती नोती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा था। मंदिर की छत से भारी पत्थर गिरने की वजह से मुखशाला की छत भी ध्वस्त हो चुकी थी। ओडिशा में गर्मियों का बहुत उमस भरी होती है, इसलिए इस मौसम में यहाँ आना अच्छा रहता है। यहाँ आने का सही समय सितंबर से मार्च तक का माना जाता है। यहाँ का तापमान इस समय सुखद और ठंडा रहता है। आप इस दौरान डांस फेस्टिवल, जो कि ज्यादातर फरवरी में आयोजित किया जाता है, इसका भी लुफ्त उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य मंदिर कोणार्क कैसे पहुंचे। सूर्य मंदिर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भी है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ की राजधानी भी है। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नजदीकी हवाई अड्डा है और यहाँ से कोणार्क की दूरी लगभग 64 किलोमीटर है। पूरी निकटतम रेलवे यहाँ का नेटवर्क है, जहां से कोणार्क की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की है। पूरी देश के ज्यादातर हिस्सों से रेलवे मार्ग अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सूर्य मंदिर तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। अगर आप बाय रोड जाना चाहें तो आपको अपने शहर से भुवनेश्वर के लिए राज्य परिवहन की बस या टैक्सी भी मिल सकती है, जो कि कोणार्क मंदिर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
तो दोस्तों आज भी ऐसे ऐतिहासिक और प्राचीन और कई हजार साल पुराने मंदिर हमारे भारत में मौजूद हैं, जो अपनी कला और दृष्टिगत को दर्शाता है। उनमें से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर।